हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नम्रता ब्लॉग्स में आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक फिर से नया ब्लॉग। गेस करो क्या हो सकता है। टैंग टैंग, ये मैंने मेहंदी लगाया है फॉर कर्मा पूजा स्पेशल मेरे भाई के लिए, और कर्मा पूजा मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है, तो आज का ब्लॉग भी इसी के लिए है, कर्मा पूजा के लिए। मैं हो गई हूँ रेडी अपने घर जाने के लिए, और अभी बज रहे हैं 10, मैं जा रही हूँ घर। आप सभी को दिखाऊंगी कि हमारे गांव का कर्मा पूजा कितना स्पेशल होता है, मेरे लिए तो खास करके बहुत स्पेशल होता है। तो मैं आप सभी को ये वीडियो दिखाऊंगी, आप सभी देखते रहिए मेरे इस वीडियो को, और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं। मेरे गांव का खेत, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है, देख रहे हो। देखिए खेत में जो लगा हुआ पौधा है वो है कर्मा का, और इसको लगाने का मान्यता यह है कि खेत की फसल अच्छी होती है क्योंकि नज़र नहीं लगता है खेत में। इस कर्मा पौधा को आज के दिन घरों में भी लगाया जाता है ताकि घर में भी नज़र ना लगे किसी को, और यह फेस्टिवल खास करके ही इसी टाइम पे होता है जब खेतों में चारों ओर हरियाली होती है। देख रहे हो काशी, जब यह काशी आता है समझ लो कर्मा पूजा आ गया। गांव का सबसे सुंदर नजारा देखना हो तो आ जाओ मेरे गांव। इसको क्या बोलते हैं, काशी, काशी का फूल। ये सिर्फ कर्मा के टाइम में ही आता है, फिर जब कर्मा जाता है तो ये भी चला जाता है। देखो कितना सुंदर लग रहा है, वाओ वाओ कितना प्यारा। वेल, मैंने लगभग अपना पूरा खेत आप लोगों को दिखाई दिया, देख ही सकते हो कितनी हरियाली है पूरे खेत में, लगभग पूरा गांव ही मेरा वैसा हरियाली है। खेत भी देख लिया आप लोगों ने, इसे तो काशी कहते हैं, और देखो कितना सुंदर लग रहा है, और मेरे मेहंदी का भी रंग कितना गहरा आया है। सो आप देख सकते हो मैंने ए लिखा है, ए का मतलब कुछ ऐसा वैसा मत समझना, ये भाई के लिए मेहंदी है, और मेरे सारे भाइयों का नाम ए से ही है, अभिषेक, अनिकेत, आयुष, आशीष, आकाश, आशीष एंड ऑल लगभग। सो कर्मा पूजा रात को मनाया जाता है, तो मैंने दिन में अपना गांव पूरा दिखा दिया है। अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद रात को हम नदी जाएंगे नहाने के लिए, उसके बाद फिर कर्मा की जो भी तैयारी हो रही है वो दिखा देंगे। रात को 9 बजे हमारी पूजा होगी, तो मैं 9 बजे मिलती हूँ आपसे। देखो यहाँ बच्चे लोगों का झुंड क्या काम कर रहे हैं, ये बच्चे लोग यहाँ खेत में देख रहे हो कितने सारे चुराट, कपड़ा में लग जाएगा ना तो छुड़ाना मुश्किल होगा। ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा अमित, जंप पकड़ रहे हैं। अरे क्यों छिछी, दिखा दिखा, इंस्टा में जाएगा, इंस्टा में क्या करेगा इसको, आप इसको क्या करेगा, अरे अरे बोलो इसको क्या करेगा, आपको खिलाएंगे। छिछी, कई दिन बाद खेत में घूमने के लिए निकले थे बहुत मन से, बट इस धूप ने गर्मी से क्या हाल कर दिया, और मैं थक गई पूरा। अब मैं जा रही हूँ घर, जाके सीधा सो जाऊंगी क्योंकि आज मेरा फास्टिंग भी है और मुझे बहुत प्यास लग रही है। मैं आप लोगों को अब जा रही हूँ हमारा डेकोरेशन दिखाने के लिए जो मेरे घर के जस्ट आगे में होता है, तो
आप देख रहे हो कि बाहर हमारा डेकोरेशन हो गया है, पूरी तरह से रेडी हो गया है, लेकिन इस पानी ने तो सारा ख़राब कर दिया है। पूरा पानी, पूरा ज़मीन भिगा दिया है। ओह नो, 5 बज गए हैं, ये बारिश ऐसे ही आते रहेगी तो हमारा पूजा कैसे होगा। आधा दूर जाना है, फिर घुमा कर लाना। नहीं खाली उसको जवाब ठक ले के जाना। हाँ हाँ दिलो, हाँ जाओ जाओ जाओ, रखो रखो। हम लोग नदी जा रहे हैं, नदी में पूजा करना है और नहा के भी आना है। पारा गड़े हवे कर मगर डार, अरे हाय कर माजी भादो के तिहार। कुन पारा गड़े हवे कर मगर डार, अरे हाय कर माजी भादो के तिहार। सुन ले आ करम राजा कहानिया पार, कुन पारा गड़े हवे कर मगर डार, अरे हाय कर माजी भादो के तिहार। आओ ना, उनको भी लेने दो ना। ये वाला वीडियो कैमरा बनाए दे लेते हैं।
मन को मसी फोन कर दिलंग दिलंग रोनू पारा गड़े हवे कर मगर डार अरे हाय कर माजी भादो के तिहार कुन पारा गड़े हवे कर मगर डार अरे हाय कर माजी भादो के तिहार सुन ले आ करम राजा कहानिया पार कुन पारा गड़े हवे कर मगर डार अरे हाय कर माजी भादो के तिहार Thank you.
गांव के देवता यानी गवाज देवता के पास जो यहाँ पे है। यहाँ से नदी बस काफी दूर में ही है, आप लोगों को दिख रहा होगा वो जो गाड़ी, बस वहीं के पास नदी है। बस हमारा नदी आ गया है, सब अब रोड क्रॉस कर रहे हैं। हम अपने छोटे से नदी में आ गए हैं जहाँ पे कर्मा जी को अभी हम लोग डांस करेंगे, गाना गाएंगे और कर्मा भगवान को यहीं विसर्जन कर देंगे इसी नदी में। कर्मा भगवान को हम साल भर का उनका खाना दे रहे हैं, उनके पत्तों में, सारे पत्तों में उनका प्रसाद बांध दे रहे हैं, देख सकते हैं सारे पत्तों में प्रसाद है, देखिए कोई भी पत्ता नहीं बचा हुआ है क्योंकि कर्मा भगवान साल भर तक इसको खाएंगे। दोनों चावल जा कर्मा भगवान, अगला साल भी रहिया। जा कर्मा भगवान, अगला साल फिर रहिया। पानी छिटो गाइस। तो हमारा इस तरह से कर्मा पूजा समाप्त हुआ बहुत ही शानदार से। अब हम कर्मा भगवान को विसर्जन कर चुके हैं, अब नेक्स्ट ईयर में हम कर्मा भगवान से फिर मिलेंगे। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो जो मैंने पूरा कर्मा पूजा दिखाया डिटेल में कि कैसे मनाया जाता है मेरे गांव का, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, गुड नाइट एंड गुड बाय।